नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय भारत जय रेल में। आज इस वीडियो में फर्रुखाबाद शहर, फर्रुखाबाद जंक्शन और फतेहगढ़ स्टेशन के बारे में जानकारी देंगे। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है। फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय फतेहगढ़ है। फर्रुखाबाद कानपुर मंडल का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। फर्रुखाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 331 किलोमीटर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फर्रुखाबाद ज़िला उत्तर प्रदेश के बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, एटा और मैनपुरी ज़िलों से अपनी सीमाएं साझा करता है और पवित्र गंगा नदी के साथ साथ रामगंगा नदी और काली नदी यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। फर्रुखाबाद ज़िले में 3 तहसीलें हैं, फर्रुखाबाद, कायमगंज और अमृतपुर। फर्रुखाबाद सड़क मार्ग से राज्य के अन्य जिलों से भी अच्छी तरह कनेक्टेड है। यहाँ से 3 स्टेट हाईवेज़ गुजरते हैं जिनसे फर्रुखाबाद, वेवर, शिकोहाबाद, दिल्ली, एटा, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, हरदोई आदि जगहों से सीधा कनेक्टेड है। फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड से इन सभी जगहों की बसें ईजिली मिल जाती हैं। फर्रुखाबाद शहर में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, एक फर्रुखाबाद जंक्शन और दूसरा फतेहगढ़ स्टेशन। ये स्टेशन्स नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के इज्जतनगर डिवीज़न के अंतर्गत ऑपरेट किए जाते हैं। फर्रुखाबाद जंक्शन का कोड FBD है। फर्रुखाबाद जंक्शन कानपुर मथुरा ब्रॉड गेज सेक्शन पर स्थित है। फर्रुखाबाद जंक्शन से एक लाइन कन्नौज होते हुए कानपुर जाती है, एक लाइन कासगंज जंक्शन से कनेक्ट होती है जो आगे मथुरा तक जाती है और एक ब्रांच लाइन मैनपुरी जंक्शन होते हुए शिकोहाबाद से कनेक्ट होती है। फर्रुखाबाद जंक्शन से गुजरने वाली कुछ प्रमुख ट्रेन्स हैं: उदयपुर से कामाख्या कविगुरु एक्सप्रेस वाया अजमेर, जयपुर, कासगंज, अयोध्या, गोरखपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद एक्सप्रेस वाया गोंडा, कानपुर, मथुरा, जयपुर, गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस वाया लखनऊ, मथुरा, रतलाम, सूरत, गोमतीनगर जयपुर एक्सप्रेस वाया कानपुर, कासगंज, बांदीकुई, भिवानी से कानपुर कालिंदी एक्सप्रेस वाया दिल्ली, अलीगढ़, कन्नौज समेत बहुत सी ट्रेनें फर्रुखाबाद से गुजरती हैं। इन ट्रेनों से फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, अहमदाबाद, अजमेर आदि बहुत से प्रमुख शहरों से होती है। इन सभी ट्रेन्स का संचालन कराने के लिए फर्रुखाबाद जंक्शन पर 5 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। स्टेशन में एंट्री के लिए एक सुंदर प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से एंटर होते ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुँचते हैं। फर्रुखाबाद जंक्शन पर साफ सफाई, फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग रूम, ट्रेन स्टेटस डिस्प्ले समेत सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अगर आप फर्रुखाबाद में ठहरना चाहते हैं तो स्टेशन के पास ही आपको होटल्स मिल जाएंगे। जैसे केशव होटल स्टेशन से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर, मुरारी होटल स्टेशन से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर चौक में स्थित है, होटल ताज स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ITI के पास स्थित है, लाल दरवाज़ा चौक, घूमना चौक, ITI चौराहा, साहिबगंज चौराहा, घंटाघर चौराहा फर्रुखाबाद के प्रमुख चौराहे हैं, और ठंडी सड़क, घूमना बाज़ार, नेहरू रोड बाज़ार, किराना बाज़ार, रेलवे रोड बाज़ार यहाँ की प्रमुख मार्केट्स हैं। फर्रुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है। इसके अलावा फर्रुखाबाद तंबाकू, सूरजमुखी और सुपारी के प्रोडक्शन के लिए भी मशहूर है। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भी यहाँ की जरी जरदोजी का काम बहुत फेमस है। फर्रुखाबाद में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: सनकिसा, फर्रुखाबाद जंक्शन से 35 किलोमीटर दूर काली नदी के पास एक बौद्ध धर्म स्थान है। जैन धर्म का भी यह एक तीर्थ स्थान माना जाता है। वर्तमान में संकिसा एक टीले पर बसा एक छोटा सा गांव है। सम्राट अशोक ने भी यहां पर एक हस्तस्तंभ बनवाया है। पंचाल घाट, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के एक तट पर स्थित पंचाल घाट जिसे घटिया घाट भी बोलते हैं, यह एक धार्मिक स्थल है। आप यहां नौकायान का आनंद ले सकते हैं और शाम के समय यहां सूर्यास्त के दृश्य का अत्यंत मनोहारी दृश्य भी देखा जा सकता है। पांडेश्वर नाथ मंदिर, यह मंदिर भगवान भोले शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसे पांडवों ने बनवाया था। यहाँ पांडवों के समय में बनाई गई एक प्राचीन सुरंग भी है। इनके अलावा फर्रुखाबाद में बहुत से घाट और प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। फर्रुखाबाद जिले के प्रशासनिक मुख्यालय फतेहगढ़ में स्थित हैं। फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे एक कैंटोनमेंट क्षेत्र है। यहाँ राजपूत रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान में ये दोनों शहर मर्ज कर दिए गए हैं। जिले का नाम फर्रुखाबाद और उसका मुख्यालय फतेहगढ़ में है। इन दोनों को मिलाकर ट्विन सिटीज़ भी बोला जाता है। फर्रुखाबाद जंक्शन से कानपुर जाने वाली लाइन पर फर्रुखाबाद से 5 किलोमीटर दूर जिले का दूसरा स्टेशन है फतेहगढ़। फतेहगढ़ स्टेशन का कोड FGR है। यह फतेहगढ़ में बेवर रोड पर स्थित है।
फतेहगढ़ स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन कन्नौज होते हुए कानपुर तक जाती है। फतेहगढ़ का स्टेशन हरा भरा और खूबसूरत है। दो प्लेटफॉर्म्स के बीच आवागमन के लिए एक सुंदर फुटओवर ब्रिज भी है। यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस कानपुर एक्सप्रेस, छपरा मथुरा एक्सप्रेस, भिवानी कानपुर एक्सप्रेस, आगरा कैंट कोलकाता एक्सप्रेस। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक सुंदर कैंट एरिया है। यहाँ राजपूत रेजिमेंटल सेंटर भी है। फतेहगढ़ में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर भी है। यहाँ युवाओं को योद्धा बनाने की कला सिखाई जाती है। सिख लाइट इन्फेंट्री में 19 रेगुलर बटालियन। जिला जेल चौराहे से फतेहगढ़ चौराहे तक फतेहगढ़ का प्रमुख आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में बहुत से अच्छे स्कूल और कॉलेजेस हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सनबीम पब्लिक स्कूल, बाबू जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मेजर एचडी सिंह मेडिकल कॉलेज, बद्री विशाल पीजी कॉलेज, केवी आर्मी स्कूल के अलावा बहुत से अच्छे शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर स्थापित हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ की ट्विन सिटीज़ का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर गिरीश वाधवा जी की डिमांड पर बना है। अगर आप भी अपने शहर व स्टेशन की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत।